जी हाँ, बचपन का प्यार गाना गाकर रात और रात स्टार बने छत्तीसगढ़ के सुकमा के रहने वाले सहदेव दिर्दो अब इंडियन आइडल के मंच तक पहुंच चुके हैं। सहदेव दिर्दो इंडियन आइडल 12 के इस वीकेंड के आने वाले एपिसोड में नज़र आएंगे। सहदेव ने हाल ही में इस एपिसोड की शूटिंग ख़त्म की है और जिसकी तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर धमाल मचा रही है। इंडियन आइडल 12 के होस्ट आदित्य नारायण ने सहदेव दिर्दो का एक वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी शेयर किया है। वीडियो में सहदेव दिर्दो बचपन का प्यार गा रहे हैं और सारे कंटेस्टेंट और जज झूम झूम कर इस पर नाच रहे हैं। वहीं रिपोर्ट्स के अनुसार सहदेव दिर्दो इंडियन आइडल 12 में कंटेस्टेंट पवनदीप राजन के साथ भी परफॉर्म करेंगे। इंडियन आइडल 12 का फिनाले 15 अगस्त को है और मेकर्स इसे सबसे ग्रैंड बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इस बार सीजन सबसे ज़्यादा पॉपुलर रहा है और इसका फिनाले करीब 12 घंटे का होगा, जिसमें कई शानदार परफॉर्मेंसेस और सरप्राइजेस होंगे। बता दें कि सहदेव दिर्दो ने कुछ दिन पहले ही बचपन का प्यार गाना गाया था। इस गाने को सहदेव ने इस तरह गाया कि वह ज़बरदस्त तरीके से वायरल हुआ और इस पर कई सारे मीम और इंस्टा रील्स भी बने। इस गाने के जरिए सहदेव दिर्दो रातों रात स्टार बन गए। आपको बता दें कि हाल ही में सिंगर और रैपर बादशाह ने भी सहदेव दिर्दो के साथ इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की और जानकारी दी कि वह सहदेव के साथ गाना लेकर आ रहे हैं। सहदेव ने गाने पर भारती सिंह और कपिल शर्मा से लेकर अनुष्का शर्मा तक मज़ेदार वीडियो पोस्ट कर चुकी हैं। जी हाँ, तो अब ऐसी भी खबरें हैं कि सहदेव दिर्दो रियलिटी शो डांस दीवाने 3 में भी नज़र आएंगे। उसने इस शो की शूटिंग भी पूरी कर ली है। इस रियलिटी शो में माधुरी दीक्षित और तुषार कालिया जज के तौर पर दिखते हैं। बता दें कि बचपन का प्यार गाने को ओरिजिनली गुजराती सिंगर कमलेश बरोट ने गाया था, जो 2018 में रिलीज़ हुआ था, लेकिन इस गाने को 2021 में तब पहचान मिली जब सहदेव दिर्दो ने इसे अपने अंदाज में गाया। जी हाँ, तो आपको क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट नाइन न्यूज़ से सुरभि की रिपोर्ट।